दोस्तों, कभी कभार लोगों को ये अंदाजा भी नहीं होता कि उन्हें किडनी की कोई बीमारी है, जिस वजह से कुछ समय बाद किडनी फेलियर की कागार पर आ जाती है। ऐसे में इंसान के पास डायलिसिस पर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि एलोपैथी में किडनी फेलियर का कोई इलाज मौजूद नहीं है। पर डायलिसिस भी कोई परमानेंट इलाज तो है नहीं, ये बस किडनी को खराब होने की प्रक्रिया को धीरे कर देता है। लेकिन एक न एक दिन किडनी पूरी तरह फेल हो जाती है और काम करना बंद कर देती है, जिसके बाद सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट का ऑप्शन ही बचता है। पर चलिए आज जानते हैं कि आखिर डायलिसिस क्या होता है, ये कितने टाइप के होते हैं और असल में डायलिसिस में हो क्या रहा होता है। डायलिसिस एक छानने की प्रक्रिया है जो शरीर से गंदी चीजों को बाहर निकाल देती है। आमतौर पर ये काम हमारी किडनियां करती हैं, पर जब किडनी अपने काम को करने में पूरी तरह बेकार हो जाती हैं, तब शरीर में गंदगी बढ़ने लगती है। इस गंदगी को निकालना काफी जरूरी होता है, इसीलिए इंसान के खून को डायलिसिस द्वारा साफ किया जाता है। डायलिसिस में एक बाहरी मशीन आपके शरीर की गंदगी बाहर निकाल देती है। डायलिसिस दो प्रकार से किया जाता है। पहला हीमोडायलिसिस, क्रॉनिक किडनी फेलियर के मरीजों के लिए ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला डायलिसिस है। इस प्रकार के डायलिसिस में हीमोडायलिसिस मशीन की मदद से एक नली द्वारा आपके शरीर से खून बाहर निकाला जाता है और मशीन की मदद से खून साफ होकर मशीन से ही आपके शरीर में वापस भेज दिया जाता है। हीमोडायलिसिस मशीन में तरह तरह के नमक, तरह तरह के प्रोटीन और ये सब चीजें निकाल दी जाती है। तबीयत अच्छी रहे इसलिए मरीज को हफ्ते में 2 से 3 बार हीमोडायलिसिस कराना ही पड़ता है। हीमोडायलिसिस के दौरान मरीज पलंग पर आराम करते हुए नॉर्मल काम कर सकते हैं, जैसे कि खाना खाना, टीवी देखना और ऐसी ही बाकी चीजें। हर दूसरे दिन डायलिसिस कराने पर मरीज सामान्य जीवन जी सकता है, पर डायलिसिस के लिए उन्हें हर दूसरे दिन अस्पताल के चक्कर काटने पड़ेंगे, जहां 4 से 5 घंटे में ये प्रक्रिया पूरी होती है। क्रॉनिक किडनी फेलियर का पूर्ण उपचार सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट ही है। दूसरे टाइप का डायलिसिस है पेरिटोनियल डायलिसिस। इस डायलिसिस में मरीज अपने घर पर ही मशीन के बिना डायलिसिस कर सकता है। इसमें एक नली एक ऑपरेशन द्वारा आपके पेट से निकालकर बाहर निकाल दी जाती है। इस नली से एक स्पेशल टाइप का लिक्विड आपके पेट में डाला जाता है और कई घंटों बाद जब इस लिक्विड को बाहर निकाला जाता है, तब इस लिक्विड के साथ सारी गंदगी बाहर आ जाती है। पेरिटोनियल डायलिसिस काफी ज्यादा महंगा होता है, साथ ही साथ पेट में इन्फेक्शन होने का खतरा भी बना रहता है। तो दोस्तों, आपने देखा डायलिसिस कितना ही महंगा और कितना ही परेशानी भरा प्रोसीजर है, और ऊपर से ये आपकी किडनी को ठीक भी नहीं करता, सिर्फ आपको हो रहे नुकसान को धीरे कर देता है। तो ऐसे में क्या किया जाए, चलिए आपको बताते हैं कर्मा आयुर्वेदा के बारे में, जहां डॉक्टर पुनीत धवन कई दशकों से लोगों की किडनी की बीमारियां ठीक कर चुके हैं। कर्मा आयुर्वेदा ने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों की किडनी की बीमारियों का पूर्ण रूप से इलाज किया है। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही पेशेंट से। फादर का नाम है योगेश। फादर है आपके जी? कहाँ के रहने वाले हैं? सर जबलपुर। जबलपुर। अच्छा, जब आए थे उस समय तो क्रिएटिनिन काफी बढ़ा हुआ था आपका? जी हाँ। कितना था क्रिएटिनिन? मतलब मुझे 1 साल हो गया लगभग। तो जब आए थे जब अभी 2 महीने पहले कितना था? 2 महीने पहले तो मतलब कि 3 महीने पहले 9 था, उसके बाद 5 हुआ और अभी 4.4 पॉइंट आ गया। 4 पॉइंट। रिपोर्ट क्या है 9 वाली? सर आपके पास है लेकिन अभी मेरे पास अभी क्या मिला था? आप फर्स्ट तो रिटर्न में है, आप अभी लेकर? नहीं, मैं कैरी नहीं किया। कुछ डायलिसिस कराया था आपने बीच में? नहीं नहीं, हमने स्टार्टिंग से ही नहीं कराया, बस 1 साल पहले आए थे तब 11 था, तब से मतलब फिर हम तुरंत यहाँ आ गए थे जब उनको डायलिसिस के सजेशन मिले थे, ट्रांसप्लांट एंड ऑल। फिर हम कर्मा यहाँ पर हमने देखा था इंटरनेट में, यूट्यूब में वीडियो देखी थी आपकी, तो कंटिन्यू यहाँ किया था मैंने। अब 1 साल हो गया। डायलिसिस की ज़रूरत पड़ी आपको कभी? स्टार्टिंग में पड़ी थी जब यहाँ नहीं आए थे। उससे पहले यहाँ पे आने के बाद डायलिसिस नहीं कभी? नहीं नहीं। डॉक्टर ने क्या बताया था आपको एलोपैथी में जब 11 हो गया था क्रिएटिनिन आपको? सर ऑप्शन नहीं है, उन्होंने बोला कि आप डायलिसिस कराइए, कंटिन्यू डायलिसिस दीजिए 3 दिन, उसके बाद डायलिसिस कोई परमानेंट ऑप्शन तो है नहीं, तो उन्होंने बोला किडनी ट्रांसप्लांट आपको करनी पड़ेगी, फैमिली वगैरह पता कर लीजिए। सो फिर वो एक ऑप्शन सही नहीं लगा, तो हमने फिर सर्च किया नेट इंटरनेट पे, तो हमें आपको मिला, तो मैं
पिछले साल के मतलब कि इसके पहले के पहले से 2018 में पिताजी अब ठीक है बिल्कुल अभी कोई दिक्कत हाँ ठीक है ठीक फिजिकली दिक्कत है डॉक्टर को दिखाई अब 4.9 हो गया हाँ बोला अच्छी रिपोर्ट है क्या बोला उन्होंने कहा कि उनके अनुसार तो डायलिसिस की जरूरत थी हाँ उन्होंने कहा उस पीरियड से तो आप बाहर आ गए हो अब क्योंकि उनका किडनी श्रिंकेज भी था तो उस समय वो इसी पे ट्रांसप्लांट पे जोर देते थे तो हमें वो ऑप्शन नहीं लगता था सही तो हमने फिर सर्चिंग की थी आप फिर दो तीन जगह से पूछा यूट्यूब में वीडियो देखी फिर हम यहाँ आए थे तो काफ़ी काफ़ी सर्च कर दिया जी अपोलो सेंटर जबलपुर अपोलो जबलपुर में अपोलो सेंटर एंड जबलपुर किडनी के अपोलो हॉस्पिटल वालों का ये क्रेटिनिन इसके अंदर 4.9 हो चुका है स्टार्ट किया था 11 के आसपास क्रेटिनिन था उनका डायलिसिस एडवाइस कर दिया था विदाउट डायलिसिस क्रेटिनिन 11 से लेकर 5 के रेंज में आ चुका है यूरिया 96 हो चुका है अच्छा एलोपैथिक डॉक्टर्स ने कहा कि आप उस प्रोटोकॉल से बाहर आए क्या बताया था खुल के बताए सारे सर उन्होंने कहा था कि किडनी श्रिंक हो गई है मतलब 9 सेंटीमीटर से 8.5 सेंटीमीटर के बीच में रहती है मेरे पापा की एक 7 थी और एक 6 थी तो उन्होंने बोला कि क्या किडनी श्रिंक हो गई है तो दिक्कत यह है कि आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा कंटिन्यू कराते नहीं थे कंटिन्यू कराइए और फिर डायलिसिस करवाते करवाते आप देखिए किडनी ढूंढ लीजिए अपनी फैमिली में और कोई ऑप्शन नहीं है तो मेंटली काफ़ी हम लोग वीक हो गए थे हम लोगों ने इंटरनेट वगैरह में सर्च किया कि ऑप्शन क्या हैं इसके अलावा तो फिर हमें इसके बारे में पता चला था फिर हमने यूट्यूब पर वीडियोज़ वगैरह देखा तो लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा था तो हम भी बिलीव करके आए तो रिजल्ट्स तो अच्छे हैं सर क्योंकि जब आप ऐसा मीन निकाल लेंगे तो हमारा जनवरी में 11 क्रिट नहीं था 11 पॉइंट कुछ था और अब 4.9 है बहुत अच्छा रिजल्ट आया है पहले से और यूरिया भी 190 था उस समय अभी 90 है 90। तो देखा आपने कैसे कर्मा आयुर्वेदा की मदद से इस पेशेंट की किडनी की बीमारी ठीक हो रही है आशा है आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप शारीरिक हेल्थ से जुड़े और वीडियोस देख सकें मिलते हैं अगले वीडियो में हेल्दी रहें खुश रहें अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा न्यू दिल्ली 110034 हमारे फोन नंबर्स हैं 0987171205 0114264 4274 हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं